नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, आज का बर्निंग इशू है। अगर बात करें पीडीएल डीडीएल यानी कि डेली वेजर, परमानेंट डेली वेजर और जो टेम्परेरी डेली वेजर है, अब 72 घंटे का उन्होंने आह्वान दिया था इस समय वो कि पीडीडी परिसर में लगातार प्रदर्शन करें। आज उनका आखिरी दिन है। इसी विषय में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुकी हैं, जो कि इस विभाग के यानी के जो है समय एमडी हैं, मिस्टर शिव आनंद तयाल आईएएस जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो लोग इस समय प्रदर्शन करेंगे क्या इनकी नज़र में वो सही है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सर, जो इस समय हजारों की तादाद में, क्योंकि देखा जाए तो आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, उम्मीदें भी आपसे ही होंगी, तो हम सवाल भी सर आपसे ही करेंगे। तो इस समय जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं एक उम्मीद के साथ आपके दरवाजे पर आए, अपने ही घर में आए, तो क्या लगता है उनकी जो मांगे हैं वो जेन्युइन है? देखिए, प्रदर्शन में कुछ पॉइंट्स हैं उनके जो देखिए, पॉइंट रखने का अधिकार तो लोकतंत्र में सबके पास है और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आप पॉइंट रख सकते हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव से भी हमारी बात हुई है और जो इनके मुद्दे हैं जिस पे जो सबको कंसर्न करते हैं, तो उस पे हम जो भी बेस्ट विद इन दी रूल्स कर सकते हैं वो हम जरूर उनको हेल्प करेंगे। जी जी। सर, शिव सर, पिछले दिनों एक आदेश भी आया था कि 12,000 डेली वेजर्स को परमानेंट कर दिया, उसकी जो पुष्टि थी वो एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी कहा था, तो आज भी वो लोग कह रहे हैं उनमें से कोई भी जो जिनकी डीपीसी होनी थी वो नहीं हो पाई है, क्या इस पर कोई कमियां हैं, उस पर काम करने का प्रयास करेगा आपका? हाँ जी, देखिए विभाग जो है वो कुछ गाइडलाइंस में काम करता है और जो डीपीसी वगैरह हैं वो चल रही हैं, काफ़ी उसमें एडवांस स्टेज में हैं, और उसके बाद कुछ हमें फाइनेंस से और अलग अलग डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं, लॉ डिपार्टमेंट से, तो उसके अंदर देखिए जो टाइम और जो उसकी स्टडी होती है वो तो उसमें करना जरूरी है, और फिर जैसे भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उसके हिसाब से वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। जी जी, यानी सीनियरिटी बेस पर जो है अभी लिस्टें बनानी, उस पर काम करना, कहीं ना कहीं लगता है कि चीफ इंजीनियर साहब का भी इसमें उन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस चीज़ को लिस्टें बनाने में, या कहीं ना कहीं कमी आपको लग रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सब पूरा डिपार्टमेंट इसमें काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व है, लिस्ट बनी भी हैं, उसमें क्वेरीज भी आती हैं कई बार, लोग उसमें जैसे जब भी कोई लिस्ट बनती है तो हम उसको पब्लिश करते हैं, उसमें क्लेम ऑब्जेक्शन आते हैं, कई लोगों को शिकायत होती है, फिर कोर्ट केसेस होते हैं, स्टे ऑर्डर आ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं जी साथ साथ, और उसमें इनफैक्ट हमारा डिपार्टमेंट प्रोएक्टिवली उसमें काम कर रहा है, और फिर जब लिस्ट फाइनलाइज होती हैं तो उसके बाद हम उसको डिपार्टमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं, प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर के बाद जो भी डिसीजन होता है। एक इनसिक्योरिटी इनको हो गई थी जो आपसे हम डिस्कस जरूर करना चाहेंगे। हाल ही में एक टेंडर आया था, इन्हें लगा था कि कहीं ना कहीं इन लोगों को निकाल कर रिप्लेस किया जाएगा, तो आप अपने माध्यम से क्या कहना, वो टेंडर भले ही वापस भी लिया गया पर इन्हें एक मिसकंसेप्शन हो गई है, वही हम आपके साथ क्लियर कर रहे हैं। देखिए, वो हमने अपने ऑफिशियल हैंडल पे भी 5-6 दिन पहले ट्वीट भी किया था, एक मीडिया कवरेज भी पहले आई थी जिसके ऊपर ये मिसकंसेप्शन हुई थी, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और सबको अपने इंजीनियर्स के थ्रू भी सबको क्लियर किया था कि वो फेक न्यूज़ है। अभी मतलब न्यूज़ ये थी कि भी हर एक सब डिवीज़न में हमारे पास 48 सब डिवीज़न है कि 100-100 लोग हम रख रहे हैं, ऐसा कुछ अभी कुछ भी ऐसा मतलब इनिशिएटिव नहीं है, और इनफैक्ट जहाँ पे भी मिसकंसेप्शन थी तो हमने इनके रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करके उसको क्लियर किया था। अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा होता तो इन्हें रिप्लेस थोड़ी ना किया जाएगा सर? नहीं नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, और इनफैक्ट अभी इनकी भी जो इश्यूज हैं उसकी भी जो मेरिट्स पे मतलब वर्क कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे जो भी हमारे को विद इन रूल्स हम कर सकते हैं उसमें उनको हेल्प करेंगे। यानी आज जो मांगे लेकर बैठे हैं उन पर काम शुरू करेंगे आप? इनफैक्ट काम चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हम शुरू करेंगे, काम चल रहा है, काम मतलब जो भी रूल्स हैं उसके दायरे में हम उनको पूरी हेल्प करेंगे, और मैं बार बार हर फोरम पर ये कहता हूँ कि जो हमारे डिपार्टमेंट के जो मतलब असली जो फूड सोल्जर हैं वो यही लोग हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा, हमने आप तो बलि बांधती हैं, आप तो इस परिवार के हेड हैं सर, करतर रहता है, क्योंकि हमने अभी जो कवरेज करते हैं हम हमेशा इनकी कवरेज करते हैं, कई सारे भाइयों ने अपने अंग निशावर कर दिए, आपने भी आपको भी खबरें पहुंचती होंगी, कई सारे पोल के साथ लटक जाते हैं, पर बड़ा तकलीफ होती जब हम इनकी दर्द को पीड़ा को समझते हैं ना, कि हैंडीकैप डिसेबल्ड हैं वो बंदे, उनकी बाजू नहीं, किसी का पूरा जिस्म झुलसा हुआ है, फिर भी वो काम पे आ रहे हैं, फिर भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारा नहीं तो हमारे परिवार का कहीं ना कहीं भला होगा। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि जो खंभों पे चढ़ने का काम, जो डेंजरस हाई वोल्टेज तारों के ऊपर जो रिपेयर होती है, या जो दूर दराज की आपके पहाड़ी एरियाज हैं उसके अंदर भी मतलब सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम, ये एंड ऑफ द डे पे यही लोग हमारे जो हैंड्स हैं मतलब, और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन केसेस भी आते हैं, और मतलब फैटलिटी केसेस भी आते हैं, हमें मतलब हम जितना को विद इन रूल्स हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं, और
निश्चित रूप से मतलब हम चाहते हैं कि ये इनका वेलफेयर भी हमारी टॉप प्रायोरिटी है, और जो भी हम बेस्ट इनके लिए कर सकते हैं वी विल बी एंश्योरिंग कि इनका बेस्ट हम करें। एक आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, प्री पेड को लेकर लोगों के मन में एक अलग सी धारणा आ गई है, लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं कि किस तरह से वो सिस्टम है, कब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से जनता तक क्या कहना चाहेंगे कि प्रीपेड इतना हवा नहीं है, किस तरह से जनता को आप सुविधाएं दे रहे हैं, किस तरह से बिजली पूरी तरह से आएगी, क्या क्या इसमें बेनिफिट है जनता के लिए बताइए। देखिए जो प्रीपेड सिस्टम है वो एक, मैं पहले इसके बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर पूरे कंट्री में मेरे ख्याल से लोएस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और परंतु जो पुराने लेगेसी इशू रहे हैं मतलब जो पिछले कई दशकों के डिकेड्स के इशू, तो आज की डेट में हमारे जो आउटस्टैंडिंग डेप्ट हैं मतलब जो हम सरकार को बिजली प्रोड्यूसिंग कंपनीज को दे रहे हैं, तो वो आप मान के चलिए 30-31 हज़ार करोड़ के हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा मतलब नंबर। और ये गवर्नमेंट 100% मतलब कमिटेड है कि सबको गुड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे और 24/7 दे, पर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी आगे कोयले से जनरेट होती है, हाइड्रो पावर से जनरेट होती है, जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड होती है, तो इसकी एक मिनिमम कॉस्ट होती है, और अगर हम वो नहीं पे करेंगे तो हम एक तरह से मतलब डिससर्विस कर रहे हैं, मतलब वी आर मतलब गोइंग मतलब डूइंग समथिंग जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। तो अब प्रीपेड मीटर, अब टेक्नोलॉजी को हम बीच में लेकर आए हैं, स्मार्ट मीटर लगाए हैं, प्रीपेड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम अभी काम कर रहे हैं, अभी पायलट बेसिस पे 15,000 मीटर हमने जानीपुर रूपनगर एरिया में कन्वर्ट किए हैं, और इसकी जो देखिए अब ऑब्वियसली कई लोग उसको मतलब प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ इश्यूज़ भी रेज कर रहे हैं, पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल से कि अराउंड 70-80% लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, है ना, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो नया ऐप है, नया सॉफ्टवेयर है, उसमें आप एक एक अपने दिन की रीडिंग भी देख सकते हैं, और हम लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं, बीच में हमने कैंप्स भी रखे थे कि भी आपको अगर कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, आप उसको दें। एज ऑफ नाउ हम अभी डिसकनेक्शन के ऊपर भी एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग जुड़े, मतलब हम पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हैं, कई लोग जिनका नेगेटिव भी बैलेंस हो जाता है, जैसे मान लीजिए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपका रिचार्ज नेगेटिव हो जाता है, तो आपका 10-5 रुपये नेगेटिव होगा, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जी, पर वो हम अभी बिजली में नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में हम चाह रहे हैं कि लोगों में विश्वास आए, और इंटेंशन जो है हमारी वो ये नहीं है कि हम लोगों को डिस्टर्ब करें, नया सिस्टम लाएं, पर और नया सिस्टम हमेशा आने में कुछ टाइम लगता है, कुछ उसमें फीडबैक भी चाहिए होता है, पर इवेंचुअली वो सिस्टम आएगा जिसमें मतलब आपको चार्जिंग रखनी पड़ेगी तभी बिजली। जैसे हम फोन पे रिचार्ज करवाते हैं, एडवांस 400 का कराएंगे, जब मंथ खत्म हो जाएगा, 400 खत्म, तो हमारा नेट भी कॉलिंग भी बंद हो गया। Exactly. पर इससे क्या जो बिजली चोरी है, जो होती है चोरी बिजली, उसमें कमी आएगी, लोगों को प्रॉपर बिजली मिलेगी? देखिए अभी जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है ना, हमारे पास अगर आप ऊपर से तस्वीर देखें जम्मू की, तो हमारे पास बिजली पर्याप्त है, सफिशिएंट है, पर अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर भी थेफ्ट हो रहा है या हुकिंग हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो 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 जेन्युइन कस्टमर हैं हमारे, हाँ, कस्टमर कंटिन्यू अपना जो पेमेंट तो नुकसान उसको होता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ सप्लाई खराब होती है, सिस्टम उसका ओवरलोड होता है, ट्रांसफार्मर ट्रिप करता है, तारें जलती हैं, तो जो जेन्युइन कस्टमर है वो नाराज होता है। आप मानते हैं ना चोरी होती है बिजली की, तभी देखिए ये अब मैं देखिए जो इस पर भी काम होगा सर, जो स्मार्ट मीटर है वो इसी के लिए है कि चोरी जो है मिनिमाइज की जा सके। सर एक और सवाल हमारी जनता का भी हाल ही में आया सवाल, जिनका बिल आता था 1,000 रुपया 500 रुपया, अब उनका 5,000-5,000 बिल आ रहा है, और एक व्यक्ति ने अभी हमें बिल भी सेंड किया है कि मेरा 1,700 रुपया बिल लगा, मेरा कोई पेंडेंसी नहीं थी, अभी मेरे को 9 लाख का बिल थमा दिया। अगर इस तरह की कोई विभाग की ओर से टेक्निकल कोई फॉल्ट आता है या बिल में कोई आता है, उस पर क्या प्रावधान है? देखिए जो जेन्युइन टेक्निकल है वहाँ पे हम उसको सही कर देंगे, पर कई लोगों का बिल इसलिए भी ज्यादा आ रहा है क्योंकि जो पहले के ड्यूज हैं जो कई सालों से नहीं पे करे, या एमनेस्टी स्कीम के तहत, हाँ जी, वो सारा कुछ नहीं, एमनेस्टी अलग है, पर जो मान लीजिए कई सालों से पे नहीं किए और सब, वो सब जुड़कर आते हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर में वो चीजें छुप नहीं सकती है ना। तो एमनेस्टी में तो ये है कि जो 30 सितंबर 2022 तक का ब्याज था, जो ड्यूज तो चलते आ रहे थे, जो ब्याज को भी माफ कर दिया था, तो वो सब भी खैर है, तो
काफ़ी केसेस जो आते हैं तो उसमें जेन्युइन भी होते हैं, पर यस 5-7% केसेस होते हैं जिसमें कई बार करंट ज़्यादा शॉर्ट हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें उसको हम सही कर देते हैं। वो हमारे जो उस पर अगर ऐसा हो तो कहाँ पर उन्होंने जाना है, जो आपके सब डिवीजन ऑफिस होता है, सब डिवीजन ऑफिस जैसे हमारे शहर में 10 सब डिवीजन ऑफिस हैं, AEE बैठते हैं वहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो उनके दफ्तर में ही पूरा सिस्टम रहता है, कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ पे उसको ठीक किया जा सकता है। यानी आपने जो अभी बात की हमसे, खास करके प्रीपेड को लोगों में काफ़ी असमंजस की स्थिति थी, आपने ये कहा कि प्रीपेड अगर सिस्टम आएगा तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी और लोगों को पर्याप्त और क्वालिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी वो मिलेगी। सर क्या जनता से क्या कहना चाहेंगे आपने? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हम बहुत एक ट्रांजिशनल फेज में है, अभी एक आप बहुत पुराने सिस्टम से एक नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, है ना। जब भी ऐसा होता है तो सिस्टम जब चेंज होता है और मॉडर्न होता है थोड़ी बहुत इश्यूज आते हैं, पर मैं यही विश्वास देना चाहता हूं आपको कि सिस्टम आपके इंटरेस्ट में है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जब ये सिस्टम सेटल हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बिल एक्चुअली कम आ रहे हैं, या आप और आप खुद कन्विंस हो जाएंगे कि जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से आ रहे हैं, है ना। और आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपकी ऐप्स में मिलेंगी, घर बैठे बैठे आपके काम होंगे, बट उसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका कॉपरेशन चाहिए, बिकॉज देखो जो लॉस होगा इवेंचुअली, अगर मान लो बिजली चोरी होती है या कोई आप रूल बाईपास करते हो, लॉस होगा वो भी आपके ऊपर ही आएगा घूम फिर के, है ना। वो या तो घूम भी पीसता वही, क्योंकि टैक्स पेयर ही वो बिल जमा करेगा, क्वालिटी ऑफ सप्लाई आपके घर पे खराब होगी, है ना, ओवरलोडिंग भी होगी, तो वो चीजें हमें एज ए सोसाइटी ठीक करनी है। वो जो पुराने काफी पुराने पोल्स लगे हैं, वायर्स लगे हैं, कई गिरने वाले हैं, उन पर भी काम होगा कि उन चीजों को आइडेंटिफाई, क्योंकि हमने हाल ही में एक जानीपुर में आपकी नजर में लाना चाहूंगी, जानीपुर बिल्कुल मेन स्टॉप पे पीर बाबा के पास एक पोल है, बिल्कुल नीचे से खाली हो गया, जंग लगा, वो किसी समय भी गिरेगा। हाल ही में मैंने कवरेज भी की थी, वो बड़ा हादसे को भी न्योता देता, जैसे कल हुआ है, एक 3 घोड़े और एक व्यक्ति मर गया, तो उस पर कितनी जल्दी काम होगा, क्योंकि काफी लोग वहां के परेशान हैं वो हादसे का कारण। देखो इसमें दो टाइप के काम हमारे चल रहे हैं, लगभग 2000 करोड़ में बताना चाहूंगा सरकार ने हमें दिया है, जिसकी स्कीम बनी है पूरे जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रेश करने के लिए। बट जो इमीडिएटली भी आपको काम करवाना है, जो स्कीम के बाहर भी कई चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए हमारे पास सफिशेंट अमाउंट खंबे, तारें, ट्रांसफार्मर पड़े हैं। तो अगेन वो एज ए आपको मतलब इंडिविजुअल को इनिशिएटिव लेके अपने ऑफिस को या अपने नियरेस्ट लाइनमैन जेई को कम्युनिकेट करना है, तो उनको हम सामान यहाँ से इशू कर देते हैं और वो फिर चेंज भी हो। जैसे अभी पोल आप बता रहे हैं, तो हमारे पास पोल्स अपने स्टोर में बहुत सारे पड़े हैं, अगर हम आप अपने XCN को या AEE को अप्रोच करेंगे तो वो हमसे इशू करवा के वहाँ पर ठीक करवा सकते हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने थे। ये थे हमारे साथ MD शिवानंद त्याल IAS जी, जिन्होंने बताया कि पावर डिपार्टमेंट जो हमारा कॉरपोरेशन है, इसका ये मतलब नहीं कि जनता को परेशान किया जाए। अगर आप चाहते हैं क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिजली चोरी को उनको पकड़ा जाए, उसे बंद किया जाए, और उसके साथ साथ जनता का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है। किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, काफ़ी दशकों से चलता आ रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बिजली की चोरी किस तरह से होती है। वो लोग जो जेन्यून लोग हैं, जो लगातार अपना पे करते हैं, अपने ड्यूज को क्लियर करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी खमियाजा भुगतना पड़ता है उनके इव्ज में, जो लोग की बिजली चोरी करते हैं। इसलिए सर ने कहा कि प्रीपेड से डरने की जरूरत नहीं है, ये प्रीपेड आप लोगों की सुविधा के लिए है, ताकि आने वाले समय में जनता को क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी मिले और जिस तरह की गर्मी आते हालात हैं उनसे भी सुधार मिले। पर जनता क्या चाहती है, सबसे बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। और सर ने यह भी कहा कि अगर किसी के बिल में कोई वेरिएशन आता है कि आपका आप इतना बिल दे रहे हैं, तो आप अपने ऑफिस पास वाले जो PDD का जो ऑफिस होगा वहां पर जाकर उसका पूरा समाधान भी ले सकते हैं। और सर तो वैसे ही बैठे हुए हैं, पर ये जरूर कहेंगे कि हमें भी एक कदम बढ़ाना होगा। अगर प्रशासन और विभाग एक कदम बढ़ा रहा है कि वाकई आने वाले समय में जनता खुद जागरूक होगी, जनता को खुद पता चलेगा कि ये कदम कितना उनके लिए सही था। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।